तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या मोशन इन 1D, नाम से ही पता लग रहा है कि बॉडी किस में मूव करने वाली है, इन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब जैसे या तो एक्स एक्सिस पे मूव कर रही है या वाई पे मूव कर रही है। तो अगर मैं बॉडी को टेढ़ा मेढ़ा मूव करवा रहा हूँ, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो इस चैप्टर में प्योरली बॉडी किस में मूव करने वाली है, इन अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन का एक और एग्जाम्पल है, जैसे सपोज करो आपकी जो बॉडी है अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, मान लो ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस है, तो जब वो एक्स एक्सिस पे मूव करती है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, और रेफरेंस पॉइंट हमेशा क्या लिया जाता है, ओरिजिन। तो ओरिजिन से जब ये बॉडी थोड़ी आगे की तरफ आई तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट सपोज कितना था, 2 मीटर। थोड़ा और आगे आई तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, सपोज 5 मीटर। थोड़ा और आगे आई, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका, 7 मीटर, एंड सो ऑन। तो कोई मुझे बताएगा जब ये बॉडी एक्स में मूव कर रही है, वाई में मूव नहीं कर रही, तो इसका कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा? सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, राइट? एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा। और उसी तरीके से अगर बॉडी कैसे मूव करती है अलोंग वाई एक्सिस, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, ना जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो क्या चीज चेंज होगी, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा। क्लियर है यहां तक? तो अगर कोई बॉडी का सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है, या एक्स या वाई या जेड, जब बॉडी मूव कर रही है, तो इसका मतलब उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, वो बॉडी मूव कर रही है इन 1D। तो 1D का मतलब है कि या तो वो एक्स के अलोंग मूव कर रही है, या वो वाई के अलोंग मूव कर रही है, या वो जेड के अलोंग मूव कर रही है। लेकिन अगर बॉडी के दो कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं इकट्ठे, एक्स कॉमा वाई, जैसे सपोज करो ये आपके पास पूरी स्क्रीन है, इस स्क्रीन में ये वाई एक्सिस है और ये पूरे का पूरा एक्स एक्सिस है। तो अगर कोई बॉडी यहां पे है, जब इसका कोऑर्डिनेट मान लो 2.3 है, जब ये यहां पे आ गई कोऑर्डिनेट 5.6 हो गया, तो इसमें कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ, दो। एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है। हम बोलते हैं बॉडी इज मूविंग इन 2D। 2D का मतलब एक प्लेन में मूव कर रही है। और सोचो अगर बॉडी ऐसे तो मूव कर ही रही है 2D में, पतंग की तरह, काइट की तरह, या फ्लाई की तरह, मॉस्किटो की तरह, और हवा में ऐसे ऐसे मूव कर रही है, तो यानी कि बोर्ड के ऊपर तो मूव कर रही है, बोर्ड के बाहर भी आ सकती है, तो इसका मतलब उसका थर्ड कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, दैट इज जेड कोऑर्डिनेट। तो एक्स भी चेंज होगा, वाई भी चेंज होगा, एट साथ के साथ जेड भी चेंज होगा। हम बोलते हैं बॉडी इज मूविंग इन 3D। क्लियर है यहां तक? तो मोशन इन 3D, तो मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, मोशन इन 3D। हम यहां पर क्या स्टडी करने वाले हैं, मोशन इन 1D। 1D में बॉडी कैसे मूव करने वाली है, स्ट्रेट लाइन में, सिर्फ एक्स के अलोंग या सिर्फ वाई के अलोंग, बात खत्म। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक। अब इसमें सबसे पहले ये चैप्टर कहां से स्टार्ट है, ये चैप्टर स्टार्ट है एक टॉपिक या टर्म के साथ, मैकेनिक्स। आपने सुना होगा मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिक्स, ये ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हैं। इसमें मैकेनिक्स क्या चीज है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द कंडीशन ऑफ रेस्ट या मोशन ऑफ अ मटीरियल। तो कोई बॉडी रेस्ट पे है, कोई बॉडी मोशन में है, चल भी सकती है, रेस्ट पे भी हो सकती है, उसको स्टडी करना कि अगर वो रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, अगर वो रेस्ट पे है और अगर वो रेस्ट से मोशन पे आ जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी यू से वी हो जाती है, उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, ये सब बॉडी को स्टडी करना इन मोशन। तो हम किस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को डील कर रहे हैं, मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसके अंदर हम बॉडी को स्टडी करते हैं, जब बॉडी किस पे पड़ी हुई है, एट रेस्ट, या बॉडी किस में, इन मोशन। क्लियर? ठीक है। तो मैकेनिक्स की आगे सब ब्रांच है। क्या ब्रांचेज है मैकेनिक्स की? मैकेनिक्स की सब ब्रांच में पहली ब्रांच है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है अ बॉडी इज लाइंग एट रेस्ट, राइट? तो स्टैटिक में हम बॉडी को स्टडी करते हैं जब वो किस पे पड़ी होती है, एट रेस्ट। आप कहेंगे बड़ी अजीब सी बात है, बॉडी रेस्ट पे है उसको क्या स्टडी करना। अब मान लो ये बेंच रेस्ट पे पड़ा हुआ है, क्या स्टडी करूं इसके ऊपर, चल तो रहा नहीं, सोचने वाली बात है। तो हम इस चैप्टर में रेस्ट पे पड़ी हुई बॉडी को तो स्टडी वैसे ही नहीं कर रहे,
फिर क्यों ब्रांच बनाई? ब्रांच तो बहुत बड़ी बात है, ब्रांच का मतलब है कि बहुत कुछ स्टडी करने वाले हैं। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल देता हूं, मान लो आपके पास एक चार्ज है क्यू, क्यू चार्ज आपने रखा, वो क्यू चार्ज हम स्टडी करेंगे प्लस टू में, वो क्यू चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना बहुत बड़ी बात है और इसमें बहुत कुछ स्टडी करने को होता है। इतना होता है कि आप अंदाज़ा लगा लो कि प्लस टू की स्टार्टिंग चार्ज को स्टडी करने के लिए हम शुरू करते हैं, चार्ज को स्टडी करते हैं प्लस टू में, और कम से कम नहीं तो 1.5-2 महीने लगते हैं उसको सिर्फ रेस्ट पे पड़े हुए चार्ज को स्टडी करने में। इतना बड़ा ये कॉन्सेप्ट है। और मालूम है क्या स्टडी करवाते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसने जो है जनरेट किया? चार्ज। और स्टैटिक का मतलब लाइंग एट रेस्ट। तो चाहे वो चार्ज लाइंग एट रेस्ट है, चाहे वो कोई बॉडी लाइंग एट रेस्ट है, तो पीछे क्या लग जाएगा? नाम स्टैटिक। क्लियर है यहां तक? तो स्टैटिक इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम बॉडीज को स्टडी करते हैं, जब वो बॉडी किसमें पड़ी होती है? एट रेस्ट। उसी तरीके से काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं किसी भी बॉडी को, किसी भी बॉडी की मोशन को, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब वो चल रही होती है। तो कोई भी बॉडी, कोई कार, ट्रेन, कुछ भी चल रही है, उसकी वेलोसिटीज को स्टडी करना, एक्सेलरेशन को स्टडी करना, उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को क्या नाम देते हैं? काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स में अगर बॉडी की वेलोसिटी 10 से 20 हो गई, हम ये नहीं स्टडी करते कि वेलोसिटी 10 से 20 क्यों हुई, हम ये स्टडी करते हैं बस हो गई, उसके एक्सेलरेशन निकाल दो, विदाउट कंसिडरिंग कि ऐसा क्यों हुआ। तो काइनेमेटिक्स इज ही ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स की ही ब्रांच है जो बॉडी को मोशन में स्टडी करती है विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, उसको किसने धक्का मारना, यानी कि हम फोर्सेस को स्टडी नहीं करते काइनेमेटिक्स में, क्योंकि बॉडी को स्पीड बढ़ाने के लिए, रोकने के लिए क्या लगानी पड़ती है? फोर्स। तो काइनेमेटिक्स में फोर्स की स्टडी नहीं करवाई जाती, राइट? तो हम जो अब स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर, जो हम करेंगे इस 15-20 दिन में, उसका नाम क्या है पूरे ब्रांच ऑफ फिजिक्स को, किसको स्टडी करने वाले हैं? काइनेमेटिक्स, क्योंकि हम फोर्स को स्टडी नहीं करेंगे, बस यू गिवन होगा, वी गिवन होगा, ए निकाल लेंगे, तो बॉडी की मोशन को स्टडी करवाया जाएगा। डायनेमिक्स, डायनेमिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें बॉडीज की मोशन स्टडी करवाई जाती है, एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि बॉडी मोशन में आई तो क्यों आई, यानी कि क्यों आई, उसके ऊपर क्या लगी? फोर्स लगी, यानी कि बॉडी की फोर्सेस को भी स्टडी करवाया जाएगा, और यू और वी को तो स्टडी करवाया ही जाएगा, काइनेमेटिक्स तो स्टडी होगी होगी, साथ में डायनेमिक्स भी हो जाएगा। यानी कि जब हम फोर्सेस को स्टडी करेंगे, हम क्या बोलते हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं? डायनेमिक्स। तो इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है। हम अभी सिर्फ और सिर्फ किस पे डील करने वाले हैं? काइनेमेटिक्स। तो कोई पूछे क्या चल रहा है आपके सिलेबस में, आप बोलना हमारे यहां क्या चल रहा है, या मोशन बोल दें या सिंपल बोल दें, काइनेमेटिक्स चल रहा है, ठीक है यहां तक? तो मोशन इन 1D या फिर वन डायमेंशनल मोशन किसे बोलते हैं? मैंने एक्सप्लेन किया, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन 1D जब तीन में से सिर्फ एक कोऑर्डिनेट अपनी वैल्यू को क्या करेगा? चेंज करेगा, या एक्स करेगा, या वाई करेगा, या जेड करेगा, तो हम बोलते हैं बॉडी इज मूविंग इन 1D। उसी तरीके से 1D मोशन को एक और नाम दिया जाता है, क्या? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, जब 1D के अंदर बॉडी मूव करती है, या फिर दूसरा नाम दिया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? रेक्टिलीनियर मोशन, माना बॉडी इज मूविंग इन 1D। नेक्स्ट है 2D मोशन। टू डायमेंशन मोशन में क्या होता है, बॉडी के कितने कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं जब वो मूव करती है? टू। तो दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, तीसरा नहीं चेंज होता, तो एट अ टाइम जब दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो बोलते हैं बॉडी मूविंग इन 2D। उसी तरीके से 3D मोशन, 3D का मतलब बॉडी के कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं? तीन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं एट अ टाइम, तो बॉडी इज मूविंग इन 3D। नेक्स्ट ये चैप्टर स्टार्ट है कहां से? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। पढ़ा हुआ है आप लोगों ने 9th में भी। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस है अगर कोई बॉडी ए से बी, बी से सी और सी पे डी पे जाती है, तो बॉडी का डिस्टेंस क्या होगा? टोटल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी इज डिस्टेंस। लेंथ क्या होगी? ए से बी प्लस बी से सी प्लस सी से डी। तो टोटल जो लंबाई कवर की उसने, उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। और अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट क्या है,
तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा यहां से, ए से लेके डी, तो ए डी को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और इसकी टोटल लेंथ को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हुआ? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? ए डी। जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर होता है। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनकी सिर्फ वैल्यू ही कंसिडर की जाती है, और वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनकी वैल्यू के साथ डायरेक्शन को भी कंसिडर किया जाता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर है? देखो, अगर कोई बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें इस केस में, तो वो कहां से कहां मिलेगी आपको? एडी। तो एडी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप मुझे ये बताएं, क्या डिस्प्लेसमेंट एडी या ए से डी पर जाने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो एडी है? क्या कोई और रास्ते से आप ए से डी तक पहुंच सकते हैं, और वो भी एडी से कम डिस्टेंस कवर करते हुए? नहीं पहुंच सकते। सबसे कम डिस्टेंस यही होगा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस एडी, इससे कम तो नहीं हो सकता। यानी कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है, तो आपको ए से लेके कहां तक जाना पड़ेगा? डी तक। यही रास्ता फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि डायरेक्शन मैटर करती है इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसलिए बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? तो यही इसमें मेंशनड है, ये इसका डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। सबसे छोटे पाथ को क्या बोलते हैं? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या रिप्रेजेंट होगी? एडी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? एडी। तो डिस्प्लेसमेंट एडी, एडी डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फिजिक्स के अंदर जो क्वांटिटी स्केलर हैं उनको तो एज इट इज लिख देते हैं, टाइम स्केलर है, इसकी कौन सी डायरेक्शन होती है? टी लिख देते हैं। लेकिन जो क्वांटिटीज वेक्टर हैं उनके ऊपर एरो लगाते हैं, ताकि आप बता सकें कि ये क्वांटिटी एक वेक्टर है, और वेक्टर का मतलब इसकी वैल्यू के साथ इसकी कोई डायरेक्शन भी होती है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या लगाते हैं? वेक्टर। तो पहचान हो गई, जिसके ऊपर क्या लगा होगा? वेक्टर, ये एरो बना होगा, इट मीन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक। अब सपोज करो मैंने एक उबर हायर की, और मुझे मान लो कहीं घूमने जाना है, और मैं एलांटे घूम के अपने घर पे वापस आ जाता हूँ। तो ये बताओ कि जो मैं गया और वापस वहीं पर आ गया, मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? जीरो। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है। और जो मैं पेमेंट करूंगा अपनी, कितने पैसे बने, वो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से नहीं करूंगा, वो किसके हिसाब से करूंगा? डिस्टेंस। वो ड्राइवर कहेगा किस गली में जा रहे हो, मेरे को कर लेने देना यार, मैं तो लेंथ कवर करूंगा। और जो आपका मीटर है कार का, वो क्या कवर करता है? डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस। डिस्टेंस कार को क्या मतलब कि आप सीधा डिस्टेंस ले रहे हो, शॉर्टेस्ट ले रहे हो? नहीं ले रहे। कार जितनी चलेगी उतनी लेंथ कवर करेगी, उतना ही उसमें किलोमीटर आ जाएंगे। तो कार क्या मेजर करके दे रही है आपको? डिस्टेंस। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? राइट। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस जीरो हो सकता है, डिस्टेंस पॉजिटिव ही होगा। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या है? लेट अस सपोज ये आपका ओरिजिन है, तो रेफरेंस पॉइंट क्या है? ओरिजिन। और मान लो ये आपका वाई एक्सिस है, ऐसे आपकी कार कैसे चल रही है? ऑन एक्स एक्सिस। तो लेट अस सपोज एक्स एक्सिस पे ये आपका ओरिजिन है, आपकी कार यहां पर है अभी, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितने है? एक्स वन। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट कोई ना कोई होगा, तो कितने है? एक्स वन। थोड़ी देर के बाद आपने देखा आपकी कार कहां पर आ गई? बी पे। तो इसका कोऑर्डिनेट फाइनल कितना हो गया एक्स वन की जगह? एक्स टू। बोलो कोऑर्डिनेट बढ़ा या कम हुआ? बढ़ जाएगा, कोऑर्डिनेट की वैल्यू बढ़ेगी। कैसे? जैसे x1 की वैल्यू यहां पर अभी 2 मीटर है, और x2 की वैल्यू मान लो यहां पर 7 मीटर हो गई, तो ऑब्वियसली दूर जा रही है कार, तो x कोऑर्डिनेट तो बढ़ ही जाएगा। तो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की? आप क्या करेंगे, x2 में से x1 को क्या कर देंगे? माइनस। तो जब आप x2 में से x1 माइनस करेंगे, x2 बढ़ा है, x1 छोटा है। आप चेक कर सकते हैं 7 में से 2 गया, कितना आया? 5, एंड 5 इज ग्रेटर देन 0। क्या ये पॉइंट क्लियर है? एग्री कर रहे हो कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी? फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। फाइनल कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स टू। इनिशियल कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स वन। दोनों को माइनस किया तो क्या आएगा? एक्स टू माइनस एक्स वन। एक्स टू बड़ा है, एक्स वन छोटा है, तो डिफरेंस
जीरो से बड़ा ही होगा, तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? पॉजिटिव। लेकिन सोचो अगर उल्टा हो जाए, आपकी बॉडी कहां पर है अभी? ए पे है, और वो आगे जाने की बजाय उल्टा ओरिजिन के पास आ रही है, पीछे आ रही है, तो ए पे उसका कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स वन। और जब वो पास आ रही है ओरिजिन पे, बी पर आ गई, तो उसका कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स टू। अब मुझे बताओ एक्स कोऑर्डिनेट अब बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। पहले जब दूर जा रही है कार ओरिजिन से, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रही है, तो कोऑर्डिनेट बढ़ते जा रहे हैं, फाइनल कोऑर्डिनेट बढ़ा है, इनिशियल छोटा है। लेकिन जब कार ओरिजिन की तरफ आ रही है तो इनिशियल कोऑर्डिनेट बढ़ा है और फाइनल छोटा है। और जब मैं इसका डिफरेंस लूंगा, एक्स टू छोटा है, एक्स वन बड़ा है, जैसे एक्स टू की वैल्यू यहां पर 2 मीटर है, एक्स वन यहां पर 7 मीटर है, तो जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? -5। तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है? कि आपकी जो कार है वो कहां से कहां मूव कर रही है? टूवर्ड्स ओरिजिन मूव कर रही है। तभी तो आपका इनिशियल कोऑर्डिनेट बड़ा है और फाइनल कोऑर्डिनेट इसमें छोटा है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? कि इनिशियली यहां पर है, फाइनली यहां पर है। पहले वो 7 मीटर पे था, अब वो 2 मीटर पे है। तो हमने क्या सीखा? डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। तो फाइनल कोऑर्डिनेट एक्स टू है, छोटा है, इनिशियल एक्स वन बड़ा है, तो इनका डिफरेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव साइन इन डिस्प्लेसमेंट ये शो करता है कि कार इज मूविंग टूवर्ड्स ओरिजन, और पॉजिटिव साइन ये शो करता है कार इज मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजन। तो अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब कार ओरिजिन से दूर जा रही है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, इसका मतलब कार कहां आ रही है? टूवर्ड्स ओरिजिन, यानी कि ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? पॉजिटिव में देखो, जैसे सपोज देखो सपोज करो, मैंने क्या बताया कि आपकी जो कार है वो कहाँ जा रही है? जैसे ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है। इस ओरिजिन में ये यहाँ पर कार ए पॉइंट पे है, कार ए पॉइंट पे है, और कार कहाँ पे जा रही है? बी पे जा रही है। जब वो ए पे है, इमेजिन करो उसका कोऑर्डिनेट कितना है? 2 मीटर है। जब वो बी पे है तो उसका कोऑर्डिनेट कितना है? 7 मीटर है। तो बस आप मुझे ये बता दो सिंपल तरीके से डिस्प्लेसमेंट क्या है। क्या करोगे? 5 में से 7 करोगे कि 7 में से 2 करोगे कि 2 में से 7 करोगे? 7 में से 2 ही करोगे ना, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो यानी कि जब कार इधर जा रही है तो 2 मीटर से बड़ा ही कोऑर्डिनेट दे देगी ना फाइनल, छोटा तो नहीं कर देगी, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। लेकिन जब आप उल्टा करते हैं, जब आप इसमें रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, जैसे आपकी कार ए यहां पे है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है यहां पर? 7 मीटर है, और फाइनली कार कहां पे आ गई? बी पे आ गई। अब जब वो वापस आ रही है, ये कोऑर्डिनेट पहले ज्यादा था तो 7 मीटर है, अब कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 2 मीटर। तो बताओ वापस आने में कोऑर्डिनेट बढ़ाएगी कि कम होगी? कम ही करेगी ना, तो 7 से कम ही करेगी ना, 5 करेगी 4 करेगी 3 करेगी, फिर ओरिजिन में बैठ जाएगी जाके, तो कम करेगी, बढ़ाएगी तो नहीं। क्या ये पॉइंट क्लियर है?
तो 7 मीटर से 2 मीटर हो गया, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कम हो गया, तो फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है, 2 मीटर, इनिशियल क्या है, 7 मीटर, डिफरेंस क्या आएगा, -5, सही है, -5। तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज कब होता है, जब गाड़ी कहां चलेगी, ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। इंक्रीज कब होगा कोऑर्डिनेट, जब गाड़ी कहां चलेगी, ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ये शो करती है कि आपकी कार अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव कर रही है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ये शो करती है आपकी कार ने डायरेक्शन चेंज कर ली और पॉजिटिव एक्स एक्सिस जाने की बजाय नेगेटिव एक्स एक्सिस में आना उसने शुरू कर दिया। ठीक है, तो नेगेटिव साइन एक तरीके से सिर्फ डायरेक्शन ही बताता है आपको। उसके बाद अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, अब जीरो कब होती है, मैं यहां से ए से चला, ए से मैं बी पे गया, फिर बी से मैं वापस ए पे आ गया, तो जहां से शुरू हुआ वहीं पर घूम के वापस आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी उस केस में, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। ये तीन केस हैं। डिस्टेंस में प्रॉब्लम नहीं है, डिस्टेंस में ऊबर में बैठ जाओ, किलोमीटर गाड़ी कवर करती रहेगी, चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, जहां मर्जी जाते जाओ, किलोमीटर ऐड करके बता देना इतना डिस्टेंस हो गया। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, ऑनलाइन वालों क्लियर है? यस सर। ठीक, नेक्स्ट स्पीड क्या चीज है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, समझ में आता है? और डिस्टेंस क्योंकि स्केलर है तो स्पीड भी स्केलर है। जब डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं है तो स्पीड की भी कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं, इधर एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूं, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन भी है, तो वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी। तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर है नेगेटिव हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि आपकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे। जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट कब नेगेटिव है, जब बॉडी कैसे मूव कर रही है, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो मान लो डिस्प्लेसमेंट -5 है, -5 को टाइम से डिवाइड करोगे तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो वेलोसिटी पॉजिटिव ये शो करती है कि आपकी कार इज मूविंग ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वेलोसिटी नेगेटिव ये शो करती है आपकी कार इज मूविंग ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। सेम चीज है। अब अगर मैं स्पीड की बात करता हूं, स्पीड की क्या टाइप्स है, स्पीड गाड़ी कैसे चल सकती है। पहली टाइप है यूनिफॉर्म स्पीड। मैंने कार को हाईवे पे डाल दिया, क्रूज ऑन कर दिया, कुछ भी नहीं किया, बस मैंने ऑटोमेटिक ऑन किया 60 किलोमीटर पर आवर, बात खत्म। अब कार हमेशा ही मूव करती जाएगी ऑन 60 किलोमीटर पर आवर, बात खत्म, क्लियर है? तो ऐसी स्पीड को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड या कॉन्स्टेंट स्पीड। और डिफाइन कैसे करते हैं इसे, अगर बॉडी ने इक्वल डिस्टेंस कवर किया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब 2 मीटर कवर किया 2 सेकंड में, अगला 2 मीटर 2 सेकंड में, अगला 2 मीटर 2 सेकंड में, तो हर इंटरवल में स्पीड क्या आएगी, यूनिफॉर्म। तो गाड़ी मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, राइट? दूसरा टाइप है वेरिएबल स्पीड। आप गाड़ी कभी तेज चला रहे हो, कभी स्लो चला रहे हो, कभी तेज कभी स्लो, तो इसमें क्या करेंगे, तो मान लो गाड़ी 2 मीटर कवर करती है इन टाइम 2 सेकंड, अगला 2 मीटर 1 सेकंड, अगला 2 मीटर 4 सेकंड, अगला 2 मीटर 5 सेकंड। तो इसके अंदर स्पीड देखो चेंज हो रही है, वेरी कर रही है, कैसे, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2/4, 2/5, 2/6। तो ये कौन सी स्पीड कहलाएगी, वेरिएबल स्पीड। तो कॉन्स्टेंट का मतलब सेम स्पीड, वेरिएबल का मतलब चेंजिंग स्पीड। ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है एवरेज स्पीड। ये तो फर्स्ट लेक्चर में किया था डिफरेंशिएशन के, क्या किया था, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। वही ड्राइवर की प्रॉब्लम कि तेरी स्पीड कितनी है, वो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करके बताता है, अंदर के इंटरवल बताता ही नहीं, तो कौन सी स्पीड बताता है, एवरेज स्पीड। एक और स्पीड है, कौन सी स्पीड है, इंस्टेंटेनियस। अभी इंस्टेंटेनियस क्या होती है कि किसी इंस्टेंट पर जो अपनी वैल्यू को क्या करती है, चेंज। और हमने फर्स्ट लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन में किया था कि जो एवरेज स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, पर अगर इंटरवल बहुत छोटा हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डी एक्स बाय डी टी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या बनता है, डी एक्स बाय डी टी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या फॉर्मूला है, डी एक्स बाय डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस।
क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, तो मैंने लिखा भी था कि डिफ्रेंसिएशन के बिना ये चैप्टर नहीं हो पाएगा। तो जिन्होंने डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन नहीं की, सबसे पहले वो मेरी वीडियो से कंप्लीट डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन करें, क्योंकि अगर वो नहीं कंप्लीट होगी तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ठीक है, और जिन्होंने प्रैक्टिस की हुई है उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। ठीक, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वेलोसिटी। डेफिनेशन वेलोसिटी हमने कर ली, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी सेम केस है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है वेरिएबल वेलोसिटी, नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगेन v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, बस ये वेक्टर है इसके ऊपर वेक्टर आ जाएगा, बात खत्म। वो स्केलर था स्पीड, उसके ऊपर वेक्टर नहीं है, इसके ऊपर वेक्टर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, ऐसे ही करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो जो इसका डिस्टेंस है वही इसकी डिस्प्लेसमेंट भी है। तो यानी कि आपसे अगर कोई पूछे क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, आप आंसर देंगे यस। कब हो सकते हैं? व्हेन बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं, लेकिन अगर कोई बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज करती है तो डिस्टेंस बड़ा होगा और डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटी ही होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब सबसे छोटा डिस्टेंस। तो इसमें जो डिस्टेंस है वो बड़ा है और डिस्प्लेसमेंट इसमें छोटी है, तो यानी कि नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस। हाँ, इट कैन बी इक्वल ऑल्सो, तो इन जनरल ये लिखा जाता है डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है कम या ज्यादा से ज्यादा इसके इक्वल होगी या कम होगी, कम से कम ग्रेटर तो नहीं होगी। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो ये जो आपकी शीट है, इस शीट का नंबर है 5। हर शीट के ऊपर जब स्टार्ट होता है आपकी बुकलेट के अंदर, यहाँ पर ना लिखा होता है, नंबरिंग लिखी होगी बुकलेट पे, यहाँ पे कहीं पर चेक करो, यहाँ पर नहीं, आपकी बुकलेट में लिखा हुआ है, शीट नंबर भी लिखा होगा 5 और ऊपर उसके नीचे लिखा होगा NCERT या कॉम्पिटिशन। तो आपको पता लगता है कि NCERT की शीट है, ये स्कूल लेवल की शीट है और ये कंपटीशन की शीट है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों के लेवल में भी फर्क नजर आएगा आपको, राइट? हाँ ठीक। और दूसरी चीज, इसमें शीट नंबरिंग पे भी हाईलाइट कर लिया करो, उसका रीजन है जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम के अंदर जब जैसे मान लो अक्टूबर का एग्जाम है उसमें काफी बड़ा सिलेबस आएगा, मान लो 15 चैप्टर आ रहे हैं, तो मैं लिस्ट दूंगा आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप मिस नहीं करके जाएंगे, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके आगे शीट नंबर ब्रैकेट में लिखा होता है कि जैसे शीट नंबर 43 में टॉपिक मिलेगा, नहीं तो आप पूरी बुकलेट कहाँ से ढूंढोगे टॉपिक? तो आपको शीट नंबर भी साथ लिख के दूंगा, इसलिए शीट नंबरिंग पे हाईलाइट करते जाना। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस यस। 6 नंबर शीट,